जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में ही शनिदेव की प्लेसमेंट किन किन घरों में होने से हमें नीलम नहीं धारण करना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें नीलम धारण करना सदैव अशुभता के रिजल्ट में बढ़ोतरी करके हमारा जीवन यापन मुश्किलों से भर देता है। प्रिय दर्शकों, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह सारे लग्नों में सीख गए हैं। कल हम मीन लग्न का आखिरी करके फिर इसके आगे टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, आप इतना कुछ सीख गए हैं कि कौन से भाव में कौन सा रत्न नहीं धारण करना चाहिए, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स आना हमारे एक फीडबैक की तरह होता है कि आप हमें बताते हैं कि आप अगर सही प्रोग्राम देख करके कुछ सीखे हैं, आप में कुछ जागृति आई है, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस प्रोग्राम को इतना प्यार देते हैं, इतना मान सम्मान देते हैं और बहुत वेट करते हैं इस प्रोग्राम की। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं कोई भी चीज़ आपको रिपीट ना करूं, मैं अपना प्रोग्राम में हर बार एक नया एपिसोड कोई नई जानकारी लेकर के आपके सामने आऊं, ताकि आप भी उससे लाभान्वित होकर के अपना जीवन यापन अच्छा करने में ये एपिसोड आपके मददगार सिद्ध हों आपके लिए। तो प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं कुंभ लग्न की कुंडली में। कुंभ यानी एक्वेरियस लग्न की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही 11 नंबर लिखा है। तो आप में से बहुत सारे जातक, सैकड़ों जातक सीख चुके हैं, सैकड़ों लोग इसको देखते हैं और अब आप लोग समझ चुके हैं कि लग्न कुंडली की कितनी बड़ी मान्यता और हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। तो प्रिय दर्शकों, ये कुंभ लग्न की कुंडली है और कुंभ लग्न के मालिक भी शनिदेव बनते हैं। यहाँ पूरी लग्न कुंडली की कंट्रोलिंग पावर शनिदेव के पास आती है। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगर कुंभ लग्न की कुंडली में शनिदेव तीसरे भाव में पड़े हों, तीसरे भाव का मतलब हुआ अगर शनिदेव नीच के पड़े हों, नीच के पड़े होने से शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। क्योंकि मैं ये बात बार बार कहता आया हूँ कि नीचता मीन्स अशुभता, नीचता मीन्स बलहीन होना नहीं होता, नीचता मीन्स अशुभता होता है। अगर शनिदेव नीच के तीसरे भाव में पड़े हों तो आपके लिए नीलम धारण करना इसलिए वर्जित होता है क्योंकि वो सदैव फजूल की मेहनत बढ़ाता है, मेंटल पीस डिस्टर्ब करता है, छोटी मोटी यात्राएं करवाता है, छोटे भाई बहन से भी जातक का कलह क्लेश मचा ही रहता है। यहाँ से शनिदेव ने जो तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो पेट में प्रॉब्लम, संतान से प्रॉब्लम, लव रोमांस में फेलियर, अनसर्टेन लॉस, मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, विल पावर में भी नेगेटिविटी क्रिएट होना, यानी जातक नेगेटिव सोच वाला ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से सातवीं दृष्टि जो नवम भाव पर डाली, पिता से मनमुटाव बना रहता है, जातक धर्म को मानने वाला नहीं होता और जातक विदेश यात्रा करके भी कभी भी अच्छे रिजल्ट गेन नहीं कर पाता। यहाँ से दशम दृष्टि जो 12वें भाव पर पड़ी तो वहाँ भी शनिदेव टोटली नेगेटिव रिजल्ट देते हैं, फजूल के व्यय बढ़ाते रहते हैं, फजूल की मेहनत होती रहती है, अस्पताल के खर्चे होते रहते हैं, जेल यात्रा तक भी करवा सकते हैं किसी लड़ाई झगड़े में अगर शनिदेव का नीलम नीच का यहाँ डाला गया तो। प्रिय दर्शकों, अगर शनिदेव छठे भाव में पड़े हों, यहाँ भी शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। उसका सबसे मुख्य कारण यह है कि रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन को बढ़ा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में सदैव वृद्धि करता मिलता है। यहाँ से शनिदेव ने जो तीसरी दृष्टि 8वें भाव पर डाली तो फजूल की मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, फजूल की प्रॉब्लम्स होना, हर काम डिले होना, हर काम दिक्कत परेशानियों में आकर के ही होना। यहाँ से दृष्टि डाली फजूल के व्यय पर तो फजूल के व्यय होते ही रहना, विदेश यात्रा करना, जेल यात्रा करना, अस्पताल के खर्चे तक एक्टिवेट करवा के रिजल्ट टोटली नेगेटिव रखते हैं शनि देवता। यहाँ से दशम दृष्टि जो तीसरे भाव पर डाली तो छोटे भाई बहन से कलह क्लेश मचना, फजूल की मेहनत होना, छोटी मोटी विदेश यात्रा करके भी जातक खाली हाथ ही वापस आने का योग बना लेता है अगर छठे भाव में नीलम धारण किया गया हो तो। तो छठे भाव में पड़ा हुआ शनिदेव का रत्न नीलम धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। दर्शकों, अगर शनिदेव 8वें भाव में पड़े हुए, यहाँ भी शनिदेव का नीलम कदापि धारण मत कीजिएगा। यहाँ नीलम धारण करना मुश्किलों को बढ़ाएगा, टेंशन बढ़ाएगा, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेगा, धन कुटुंब वाणी के संबंधी भी नेगेटिव रिजल्ट।
यहाँ से जितनी दृष्टि कामकाज पर डाली तो कामकाज को बंद करने की कगार तक लाके खड़ा कर देगा, कामकाज के रिगार्डिंग भी टोटली अशुभता के रिजल्ट देगा। यहाँ से जितनी दृष्टि धन कुटुंब वाणी पर डाली शनिदेव ने तो धन का अभाव शनि की दशांतरा में सदैव बना रहेगा। शनिदेव के दशांतरा में परिवार साथ कभी नहीं देने वाला होगा और जातक की वाणी इतनी उग्र हो जाएगी कि जातक को खुद कई बार समझ में नहीं आ रहा होगा कि वो क्या बोल गया, और जो सामने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे वो जातक के लिए सदैव अशुभ माना जाएगा। यहाँ से शनिदेव ने जो दसवीं दृष्टि पंचम भाव पर डाली तो उसके संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिले। संतान सुख से दिक्कत परेशानी आएंगी, संतान को भी परेशानी होगी, पेट में प्रॉब्लम लाने का योग बनता है, लव रोमांस में नाकामयाबी का योग बनता है, मेंटल पीस डिस्टर्बेंस होती है, जातक डिप्रेशन में भी चला जाता है, एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी बन जाता है और जातक की विल पावर में बहुत बड़ी कमी आती है और जातक मेंटली कभी स्टेबल नहीं हो पाता। तो आठवें भाव में पड़े हुए शनि देवता का रतन नीलम धारण करना हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, अगर शनिदेव अपनी ही साधारण राशि में बारहवें भाव में पड़े हुए तो भी शनि देव का रतन नीलम धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि अगर हमने यहाँ से शनि देव का रतन धारण किया फजूल के व्यय बढ़ेंगे, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब होगी, जातक की हेल्थ में प्रॉब्लम्स आएंगी, जातक के लिए यहाँ पर शनि देव को एक्टिवेट करना जेल यात्रा तक करवाने में वो बाध्य हो जाता है और अस्पताल के खर्चे इतने होते हैं कि जातक को समझ में नहीं आ रहा होता कि इतने पैसे खर्च करने के बाद, ये स्टोन, ये रतन धारण करने के बाद भी मेरे जीवन की मुश्किलें और क्यों बढ़ रही हैं, वो कम क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसकी प्लेसमेंट गलत भाव में होने की वजह से वो इसी भाव के रिगार्डिंग टोटली रिजल्ट नेगेटिव एक्टिवेट कर देती है। यहाँ से शनिदेव ने दृष्टि डाली दूसरे भाव पर तो धन कुटुंब वाणी के भाव पर संबंधी टोटली नेगेटिव रिजल्ट, धन का अभाव शनि की दशांतरा में सदैव बना रहता है, जातक की वाणी उग्र हो जाती है और परिवार कभी भी जातक का साथ नहीं देता पूर्ण जिंदगी में। यहाँ से शनि देव ने जितनी बार दृष्टि छड़े भाव पर डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा को एक्टिवेट करके जातक का रिजल्ट टोटली नेगेटिव रखता है। यहाँ से शनिदेव ने जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली तो पिता से प्रॉब्लम, भाग्य में भी प्रॉब्लम, भाग्य कभी उदय नहीं होता, वो देरी से ही हमेशा काम होते हैं उसके, जातक धर्म को मानने वाला भी नहीं होता, विदेश यात्रा करके भी जातक सदैव नाकामयाबी हासिल करता है, शनिदेव उसको कभी पॉजिटिव रिजल्ट देते ही नहीं है अपनी दशांतर दशा में। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, शनिदेव का रतन तीसरे भाव में, छठे भाव में, आठवें भाव में और बारहवें भाव में कभी धारण मत कीजिएगा, ये सदैव वर्जित माना जाता है। सिर्फ इसकी एक ही कंडीशन है जो मैं पहले भी कई आपको एपिसोड्स में याद दिलवाता आया हूँ, अगर अस्त अवस्था में हुआ, क्योंकि अस्त को बलहीन कहा जाता है, 6, 8, 12 में पड़ा या नीच का ग्रह बलहीन नहीं होता जब तक वो अस्त अवस्था में ना आ जाए, यानी सूरज के साथ क्लोज कंजंक्शन में ना आ जाए। अगर सूरज देवता के साथ क्लोज कंजंक्शन में आ गया, यानी युति बना ली या आगे पीछे भी डिग्री वाइज हुआ और वो अस्त हो गया, तो शनि देव का रतन नीलम किसी भी सूरत में किसी भी भाव में धारण किया जा सकता है। अगर वो अस्त अवस्था में ना हुआ तो तीसरे, छठे, आठवें, बारहवें में धारण करना आपको मृत्यु तुल्य कष्ट तक दे करके आपके जीवन यापन की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देगा। एक बात मैंने पहले भी आपको याद करवाई थी प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखेगा, शनिदेव का रतन नीलम कदापि भी चांदी में धारण नहीं किया जाता, वो सदैव सोने में या पीतल में धारण किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति देवता के साथ उसकी एंटी पार्टी का तत्व जरूर बनता है, लेकिन वो दोनों ही अति शत्रु नहीं हैं, लेकिन चंद्रमा की चांदी और शनि देव का रतन नीलम दोनों आपस में अति शत्रुता वाला तत्व रखते हैं। शनि देव का रतन नीलम प्योर अंधेरे का ग्रह माना जाता है, अंधेरे का रतन माना जाता है, और चंद्रमा का चांदी जो है वो प्योर उजाले ग्रह की रश्मियों को उसका मेटल माना जाता है, यानी चंद्रमा का चांदी का मेटल माना जाता है और वो प्योर उजाला होता है। तो अंधेरे और उजाले को कभी इकट्ठा मत करके पहनिएगा, वो सदैव आपके लिए नुकसानदायक होगा, वो कभी भी आपको लाभान्वित नहीं करेगा, सदैव नुकसान ही देगा। अगर अच्छे भाव में पड़ा हुआ तो भी नेगेटिव रिजल्ट देगा, अगर आपने चांदी में धारण किया हो तो। दर्शकों,
शनिदेव का लगन में पड़े होना, ससा नाम का पंच महापुरुष योगों में आता है, रतन धारण करना सदैव आपके लिए शुभ माना जाएगा। शनिदेव अगर दूसरे भाव में पड़े हों, धन कुटुंब वाणी के भाव में पड़े हों, सदैव आपका रतन नीलम धारण करना आपको चौतरफा लाभ देकर के, आपकी पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट देकर के, आपके परिवार में आपकी होल्ड बना देगा और सदैव आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। शनिदेव का रतन चौथे भाव में अगर धारण करोगे तो सदैव अच्छा माना जाएगा, गाड़ी भूमि वाहन मकान लेने में योगदान अपना बहुत बड़ा देगा और माता की केयर करके आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनाने में सबसे बड़ा सहायक सिद्ध होगा। यहाँ नीलम धारण करना सदैव अच्छा माना जाता है। दर्शकों अगर शनिदेव पंचम भाव में पड़े हों, सदैव नीलम धारण कर सकता है हर कोई जातक, क्योंकि यहाँ पड़े हुए शनि देवता का रतन नीलम धारण करने से जातक की बुद्धि तीक्ष्ण होगी, जातक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी, लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी। यहाँ पर जातक का अनसर्टेन गेन का भी योग बनता है और पंचम भाव के रिगार्डिंग संतान सुख से परिपूर्ण करके जातक को सारे एडवांटेज देने में सक्षम होते हैं शनि देवता। दर्शकों अगर शनिदेव सप्तम भाव में पड़े हों, पार्टनरशिप में एडवांटेज देते हैं, ये रतन पहना जा सकता है, पार्टनरशिप में एडवांटेज देते हैं, डेली वेजेस में एडवांटेज देते हैं, दाम्पत्य सुख को भी संपन्न करके जातक अपनी जिंदगी में हर चीज़ से परिपूर्ण अवश्य हो जाता है। शनिदेव उच्च के पड़े हों तो भी ये रतन धारण किया जा सकता है, सदैव एडवांटेज देता है। प्रिय दर्शकों अगर शनिदेव दशम भाव में पड़े हों तो भी इसका रतन धारण करना सदैव अच्छा माना जाता है, इसका रतन धारण करने से कामकाज में वृद्धि मिलती है, यहाँ पर एडवांटेज मिलता है। अगर शनिदेव ग्यारहवें भाव में पड़े हों, यानी फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, यहाँ आप लाभ का घर कह सकते हैं, वहाँ अगर पड़ा हो तो भी शनिदेव का रतन नीलम धारण करना जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को दूर करके उसका जीवन यापन आसान अवश्य कर देता है, वो जो जिंदगी में चीज़ चाहता है वो फिर उसे मिलती अवश्य है और उसका एडवांटेज उस जातक को सदैव मिलता है। तो वहाँ भी नीलम धारण किया हुआ आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा देता है, क्योंकि यहाँ से जितनी दृष्टि लगन पे डाली एडवांटेज, यहाँ से जितनी दृष्टि पंचम भाव पे डाली वो भी एडवांटेज, यहाँ से जितनी दृष्टि दसवीं आठवें भाव पर डाली तो उसके संबंधी भी पूर्ण एडवांटेज दे करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में दूर करके आसान करके, जीवन यापन आसान करके मुश्किलों को दूर करने में सदैव सहायक सिद्ध होता है। प्रिय दर्शकों एक बात याद रखिएगा, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए, हम अक्सर देखते हैं क्योंकि पुराने वक्त में, आज से अगर 20-30 साल पहले जाएं तो घड़ियां बहुत कम हुआ करती थी घरों में, उसके बाद थोड़ा सा चलन आया कुछ 8-10 साल चाबी वाली घड़ियां चला करती थी जिसे सुबह शाम आपको चाबी देनी पड़ती थी, लेकिन आजकल आप एक बार बैटरी लगा के घड़ी टांग लीजिए दीवार पे तो 6 महीने साल तक चलती रहती है। जो आपके घर में जिंदा होने का सूचक होती है वो घड़ी का चलना का मतलब होता है, वहाँ लाइफ चल रही है और वो सदैव आपकी शुभता बढ़ोतरी करने में सहायक होती है। लेकिन अगर आपकी घड़ी दीवार पर कहीं खड़ी हो तो वो घर में सबसे ज़्यादा नेगेटिव रोल प्ले करती है, उस घर में बरकत कभी नहीं होती। जो भी घड़ी टंगी हुई हो दीवार पर या कहीं शोपीस में रखी हो वो सदैव चलती होनी चाहिए, अन्यथा उसे आप दराज में रख सकते हैं, वो आपकी अशुभता में बढ़ोतरी करती है। खड़ी हुई घड़ी ये सदैव राहु केतु को एक्टिवेट करके नेगेटिविज्म बढ़ा देती है, तो खड़ी घड़ी कभी भी दीवार पर मत लगाइएगा, वो आपकी दिक्कत परेशानियाँ नहीं तो बढ़ोतरी करती ही मिलेगी। प्रिय दर्शकों आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।